नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आईटीआई पास युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। रेलवे ने पटना से कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। 9 अप्रैल से DLED विशेष परीक्षा के कॉपियों का होगा मूल्यांकन। ईद की छुट्टी के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार को लिखा गया पत्र। IPL 2024 में यश ठाकुर को गिल को आउट करने के लिए कप्तान से मिली खास सलाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के 8000 से अधिक स्कूलों का ईटैस पर रजिस्ट्रेशन नहीं। पटना के 8,564 स्कूलों का ईटैस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस कारण यहां पढ़ने वाले बच्चे को आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के TC पर ईटैस नंबर नहीं होने की वजह से इन्हें अन्य स्कूलों में दाखिला करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने संबंधित कार्यालय में इसकी शिकायत की है। बताया जाता है कि पटना में 100 से अधिक अभिभावकों ने इस बात की शिकायत की है। जानकारी के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूल का ईटैस से रजिस्ट्रेशन होना काफी जरूरी है, लेकिन हजारों स्कूलों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बिहार में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। बिहार के भागलपुर जिले के बराड़ी के हाउसिंग बोट कॉलोनी के पास मुसहरी टोला में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस पर हमला करने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल है। बताया जाता है कि करीबन 150 से 200 लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और उस घटना में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 25 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है, वहीं 40 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। 9 अप्रैल से DLED विशेष परीक्षा के कॉपियों का होगा मूल्यांकन। बिहार बोर्ड की DLED विशेष परीक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन 9 अप्रैल यानी कल से शुरू हो जाएगा। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति ने इससे संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों से 15 अप्रैल तक अंकों को समिति के कार्यालय में भेजने का आदेश दिया है। मूल्यांकन के लिए राजकीय एवं निजी कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत व्याख्याओं की प्रधान और सह परीक्षक और MPV की नियुक्ति की गई है। बिहार बोर्ड की वेबसाइट secondarybiharboard.com पर नियुक्ति पत्र को अपलोड भी कर दिया गया है। इसे डाउनलोड करने के बाद 9 अप्रैल से मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। रेलवे ने पटना से कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या और गर्मी में लोगों की सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोषणा की है। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रक्सौल हावड़ा और कोलकाता जयनगर के बीच समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। रक्सौल और हावड़ा के बीच समर स्पेशल ट्रेन 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक, वहीं जयनगर कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन 12 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगी अप एवं डाउन दिशा में। रक्सौल हावड़ा समर स्पेशल हावड़ा और रक्सौल के बीच बंडेल वर्धमान दुर्गापुर आसनसोल चितरंजन मधुपुर जसीडीह झाझा किऊल बरौनी समस्तीपुर दरभंगा जनकपुर रोड सीतामढ़ी बैडगनिया स्टेशनों पर रुकेगी, जबकि अप और डाउन दिशा में जयनगर कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन कोलकाता और जयनगर के बीच वर्धमान दुर्गापुर आसनसोल चितरंजन मधुपुर जसीडीह झाझा किऊल बरौनी समस्तीपुर दरभंगा स्टेशनों पर रुकेगी। इसके बाद इन रूट के यात्रियों को इससे काफी लाभ पहुंचेगा। बिहार में आईटीआई पास युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। बिहार में आईटीआई पास युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा मौका है। आरा में बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आईटीआई में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के परीक्षार्थी हिस्सा ले सकते हैं। 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र धनपुरा में रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है और कई पदों पर इसमें युवाओं का चयन होगा। ऑपरेटर और हेल्पर आदि पदों पर महिला और पुरुष दोनों को रोजगार का मौका दिया जाएगा। योग्यता के अनुसार चयन होगा। वहीं इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए सभी प्रकार के जरूरी डॉक्यूमेंट को साथ में लेकर आने की अपील की गई है। 12,000 से लेकर 17,000 के बीच सैलरी मिलेगी और इस प्रक्रिया में 18 साल से लेकर 28 साल के युवा हिस्सा ले सकते हैं। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू।
बिहार में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों को रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के तहत स्कूलों का आवंटन किया जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। पूरी रिकॉर्डिंग को प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया 3 बार हो और 3री बार को अंतिम बार माना जाए। इसी को आधार मानकर शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। वहीं तैनाती से पहले सभी संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग भी होगी। जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित सभी शिक्षकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। वही नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग उनके जिला मुख्यालय में की जाएगी। ईद की छुट्टी के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार को लिखा गया पत्र। बिहार में ईद के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग का समय 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रखा गया है। फिलहाल शिक्षकों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें करीब 1900 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ईद के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग हो इसका विरोध किया जा रहा है। इमारत शरिया ने इसे लेकर हस्तक्षेप किया है। ईद के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। इसमें आग्रह किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद के दौरान ट्रेनिंग में छूट मिले। बिहार झारखंड बॉर्डर पर हजारों लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार झारखंड बॉर्डर पर बांका पुलिस ने 3,996 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की टीम शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 10 चक्का ट्रक के केबिन में रखे विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही 2 तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार इस शराब को झारखंड के गोड्डा से बिहार के वैशाली जिले में लाया जा रहा था। बॉर्डर इलाके में इसे सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एनआईटी मोड़ से कारगिल चौक तक 6 घंटे सिटी बस के परिचालन पर रोक। पटना के एनआईटी मोड़ से कारगिल चौक तक 6 घंटे तक सिटी बस के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने यातायात पुलिस अधीक्षक को इसे लेकर आदेश दिया है। शहर में यातायात का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया। एनआईटी मोड़ से कारगिल चौक के बीच 6 घंटे 9 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न और 1 बजे से 3 बजे अपराह्न तक, इसके अलावा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम की अवधि में सिटी बस नहीं चलेंगे। इसे लेकर यातायात पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी शंखनाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे जेडीयू दफ्तर। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी शंखनाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रवक्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें खास टिप्स दी है। बताया जाता है कि चुनाव में किस एजेंडे के साथ मैदान में उतरना है और कैसे मीडिया के सवालों का जवाब देना है, इस पर सीएम प्रवक्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में जदयू कार्यालय पहुंचे। मालूम हो कि फिलहाल जदयू की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। वहीं सीएम एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील और रोड शो भी करने वाले हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वीआईपी गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर की सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं टीवी चैनल न्यूज फॉर नेशन को दिए गए एक इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने कहा है कि वो खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वो खुद लोकसभा का चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि ऐसा करने से वो एक सीट पर बंद कर रह जाएंगे और वो बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि वो 40 के 40 सीट पर महागठबंधन को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे और वो महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आरजेडी के पूर्व विधायक चंदन कुमार ने पार्टी से दिया इस्तीफा, एनडीए में शामिल। आरजेडी के पूर्व विधायक चंदन कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चंदन कुमार खगड़िया के अलौली से साल 2015 से लेकर 2020 तक विधायक रह चुके हैं। वहीं अब ये जदयू पार्टी में शामिल हो चुके हैं। साल 2015 में इन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चंदन कुमार ने कहा है कि वो सीएम नीतीश कुमार के काम से प्रभावित होकर जदयू में शामिल हुए हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि चंदन कुमार के पार्टी में शामिल होने से जदयू को और मजबूती मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में भी जदयू को फायदा पहुंचेगा। सीएम नीतीश कुमार की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर ये जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की मदद लेने से किया इनकार।
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि चाचा ने मुझे घर से निकालकर बाहर कर दिया था, अब मैं इन चीजों से काफी आगे निकल चुका है। चिराग पासवान ने कहा है कि चाचा ने मेरे सिर से अपना हाथ क्यों हटा लिया था ये मुझे नहीं पता है। मुझे घर और परिवार से निकाल कर बाहर कर दिया गया, अगर मैं उनका सगा बेटा होता तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। चिराग पासवान ने कहा है कि वो इन चीजों से काफी आगे निकल चुके और उनकी लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के 40 में से 40 सीट को जीत कर देना है। नीतीश कुमार पर राजद ने कसा तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नवादा की रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 4000 से अधिक सीट मिलेगी। इस पर राजद ने तंज कसा और कहा है कि भाजपा नेताओं के चेहरे पर हार साफ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि एनडीए को पता ही नहीं है कि देश में कितने सांसद है। सच्ची जनता से वादे करके पलट जाने वालों को नवादा की जनता खदेड़ना जानती है। आरजेडी की ओर से ये भी सवाल किया गया कि कहां है बिहार का विशेष पैकेज और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहां है। आईपीएल 2024 में यश ठाकुर को गिल को आउट करने के लिए कप्तान से मिली ये सलाह। आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। इस मैच में यश ठाकुर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 5 विकेट लिए। तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने गुजरात टाइटंस की पावर पैक बैटिंग लाइन अप के खिलाफ 5 विकेट पर 163 रन के टारगेट का बचाव करने में अहम योगदान दिया। यश ठाकुर ने इस बात का खुलासा किया है कि केएल राहुल ने उन पर काफी भरोसा जताया और कप्तान ने उन्हें मैच के दौरान हीरो बनने की सलाह दी। इस पर वो खड़े भी उतरे। कप्तान ने उन्हें कहा कि वो उनके प्रदर्शन से काफी खुश है। शुभम गिल का विकेट लेने के लिए कप्तान ने उन्हें अपने प्लान पर टिके रहने की सलाह दी थी। आपके अनुसार क्या यश ठाकुर को इंटरनेशनल मैच में मौका देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, अजय कुमार, पवन सिंह, रामबाबू यादव, नन्नू गोलू कुमार, कन्हैया कुमार, सिंटू यादव, राज किशोर महतो, नौशाद राजा, रंजीत मिश्रा, राम बाबू यादव, पप्पू कुमार, राजा कुमार, उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, सदुल्ला पालवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ट्रेन या बस में से आपको किसका सफर अधिक पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।